ये देखो, ये है वो मोड जो बता रहे थे आप लोग। देखना सर्कल कैसे गोल गोल घूमने लग रहे हैं। ये वाला जो है ना मेबैक में होता है ना भाई, ऐसा मेबैक में खुलते ही होता है, तो लग्जरी गाड़ी वाला जो फील है ना। और अगेन मैं बता रहा हूँ भाई, ये ना चीजें बहुत ही अच्छी लगती है जब तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। गाइस ये है, अब आप समझ रहे होंगे कि भाई मतलब आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल में इसमें क्या चीज़ है। तो ये जो है अपनी रूफ के लिए वाले जो स्पीकर्स हैं उसकी रिप्लेसमेंट है। अब मैं रिप्लेस क्यों करवा रहा हूँ अपने ओरिजिनल हटवा के, वो आपको ना थोड़ी देर बाद पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मज़ा सा आ जाएगा सच्ची में। देखिए देखो, पीछे अगर आपको दिख रहा होगा तार है ना, तार की वजह से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है एंड क्या कुछ लगने वाला है। बवाल हो जाएगा सच्ची में देख के। इसके अलावा जो है इसमें ना दो तीन पीस और आते हैं आपके ट्विटर सैश का भी जो है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ट्विटर सैश के अलावा अगर मैं बात करूँ तो पीछे जो है आपके मतलब टोटल छः पीस का सेट आता है। ये फ्रंट का है यहाँ पे सारा, फ्रंट के दो, तो ये कुल मिला के छः पीस का सेट आता है। तो आप लोगों को दिखा दिया मैंने, बाकी अगर इंस्टॉलेशन हो रही है वहाँ पे उसके बाद दिखा दूँ भाई, अंदर ले जाके भी दिखा दूँ आपको एक बार यहाँ पे। तो अंकुर भैया कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। अजी भैया कैसे हो? बढ़िया भाई। यहाँ पे देखो एकदम पूरे अपने स्पीकर वीकर उतरने लग रहे हैं, और एक जो है वहाँ पे इंस्टॉलेशन हो भी गई उसकी। इसमें ना पहले वायरिंग हुई थी, वायरिंग के बाद जो है फिर एक एक करके स्टॉक रिप्लेसमेंट होती है। तो अभी हमारा प्लान यही है कि केवल हम लोग ना छत छत वाले करने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि आगे वाले भी कर सकते हैं, बट फिर मैंने खुद के पर्सनल उस पर बोला कि भाई मेरे को आगे वाले नहीं चाहिए, अभी पीछे पीछे में मजा आए, है ना अजी भैया? सही बात है ना, पीछे वाले पीछे ही अच्छा लगेगा, मतलब फ्रंट में नहीं दिखता भी नहीं यार, वो बंद हो जाता है। तो मतलब लगवाने जिसको लगवा लेना, उसमें ऐसी वो चीज़ नहीं है जिसका मन करे या नहीं। और ये देखो भाई, मजा आ जाएगा, थोड़ी देर में इंस्टॉलेशन हो जाती है, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगे एक्चुअल में कैसा आउटपुट आता है। अंदर भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, अच्छा हो गया। देखो हमने पिछली बार है मैं आपका प्री वर्कआउट हूँ, ठीक है। हम लोग रात की रानी है ना, 11-12 बज रहे होंगे देख लो, पर ठीक है, रात को जो मजा आता है ना वो एकदम भाईचारे में होता है। खैर पिछली वाली वीडियो में हमने दिखाया था कि हमने एसी वेंट्स लगाए हैं और साइड के जो अपने डोर पे पैनल पे लगता है वो लगाए हैं, एम्बिएंट लाइट में भी कुछ चीज़ें करी हैं। एक नया प्रोडक्ट आया मार्केट में एंड बहुत ही कम लोगों ने दिखाया होगा मेरे साथ, है ना? बहुत ही कम ने दिखाया, और कहीं ना कहीं ना वो फ्यूचर ऑफ लाइट कार लाइट, इंटीरियर लाइट का फ्यूचर है, ठीक है। और अभी थार के लिए आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी रेंज मिल जाएगी। ऑल्दो अगर किसी के पास कोई प्रीमियम सेगमेंट की कार है लाइक अपना रेंज रोवर, मर्सिडीज, उन सब कार्स के लिए वो प्रोडक्ट ऑलरेडी आते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट लोगों को इंस्टॉलेशन का नहीं पता है। अच्छा, तो अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक उस रेंज की कार है तो उसमें भी हम कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आज हम लोग बात कर रहे हैं स्पीकर ग्रिल्स की, है ना? वैसे देखो स्पीकर ग्रिल्स तो खैर अभी आने लगी हैं, उससे पहले ही आपकी होंडा सिटी में आपने कमाल कर रखा है ना, तो मार्केट में बाद में आ रही है चीज़ें, पहले आप खुद करके करना पड़ता है, तो बैठे रहो उस चीज़ को, बट ठीक है। चलो तो नरेंद्र भाई उस साइड से आओ आप, और मैं इस साइड से आता हूँ, दिखाते हैं आपको स्पीकर ग्रिल्स एक्चुअल में क्या हैं क्या नहीं हैं। और उससे पहले अगर आपने पिछली वाली वीडियो मिस कर दी होगी तो मैं बता देता हूँ कि इसमें ये जो है यहाँ पे हम लोग लगाए थे, तो अपने इन केस वीडियो मिस कर दियो तो आप लोग जाके जो है दोबारा देख सकते हो, पिछली वाली वीडियो में बताए थे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखो मैं आपको बता दूँ कि इसका ना 6 पीस का सेट आता है, आगे भी 2 लगते हैं। मैंने भैया से बोला कि मुझे गाड़ी में इतना नहीं चाहिए, है ना, इसको एक बार रिमूव भी, गाड़ी को हम थोड़ा टर्न भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि मैंने ये लगवा लिया फिर वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाता है ना। अब देखो हर कस्टमर तो इतना नहीं होता कि उसको शौक है इन सब, वो दिखा देते हैं, डिनाई किया कहीं ना कहीं, म्यूचुअल हमने अंडरस्टैंडिंग के साथ ही डिनाई किया है भाई। ये तो ये है जो हमने फ्रंट की ग्रिल्स है ना, ये फ्रंट का पार्ट है बेसिकली, पूरा पीस ही चेंज होगा, बिल्कुल। देखो लगेगा ये भी बहुत अच्छा, हाँ। पर मेरी चॉइस नहीं, मुझे नहीं लगवाना था, है ना? कहीं ना कहीं ना आपकी जो चॉइस है डिसेंट है, हाँ। और ओवर करने का को मतलब दूसरा रीजन ये भी है, देखो नरेंद्र भाई मैं बताता हूँ, मैंने पेंट करवा रखा है, ठीक है, तो ये पार्ट सूट कर रहा है। अब अगर मान लो ये लगवा दूंगा तो ब्लैक में थोड़ा ऑड जाएगा मेरे लिए, इसलिए भाई इंटीरियर की फील की तो ये मैंने, इसलिए ये रीजन है कि मेरे को अपना ये वाला व्हाइट एज इट इज चाहिए था, ठीक है। अब आ जाती है मेन पीछे वाली चीज जो हम दिखाना चाहते हैं आपको, और लाइट्स ऑफ कर देते हैं, लाइट्स कैमरा एक्शन, ये लो भाई। तो ये है वो जबरदस्त चीज जिसके बाद भाई स्टार लाइट की जरूरत ही नहीं है, है ना? मतलब इसके बाद स्टार लाइट वगैरह की कोई भी नीड नहीं है। इस पे एक बार पॉलिथिन लगी हुई है, यहाँ से आओ नरेंद्र में उतारते हैं, चलो जी हटाते हैं।
ये देखो, एक तो मैंने जल्दी उतार दी थी खुद ही, रहा नहीं जा रहा था मेरे से, यहाँ से हम भी उतार देते हैं लोग। और ये इसलिए रहती है ताकि सेफ्टी के लिए, स्टील है ना, स्क्रैच व्रैच ना लगे, तो ठीक है वो चीज़ भी। तो रास्ते में आती है ना, तो उसके लिए है मेन, तो मेहनत मांग रही है, मेहनत है भैया। ये एक बार उतर गई फिर तो उतरती जाती है। ये लो, ये जो उतर गई, आवाज़ मस्त आई ना अनबॉक्सिंग की आप लोगों को, हमें भी बहुत मजा आया। एक और करो फिर मजा। अच्छा एक और खेलने के लिए इसको भाई, ये वाला भी उतर। और ये पहचान होती है कि आपकी गाड़ी में नया प्रोडक्ट लग रहा है, ठीक है। लो भाई क्या जबरदस्त फील है, मतलब पीछे जो बंदा बैठा होगा ना उसको किसी डिस्को में जाए, डिस्को डिस्को वाला फील जो है आ ही जाएगा। और इसका मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये अभी करेगा क्या वैसे, घूमेगा ऑन करने पे उसमें? हाँ बिल्कुल करो। लो अभी देखो मैंने आगे की लाइट भी बंद कर। अच्छा अभी लाइट भी बंद होगी ताकि और बढ़िया फील आए, है ना। लो भाई अब एक बार इसको खोल लूँ, अब देखना आप लोग कैसे, जैसे ये देखो ये है वो मोड जो बता रहे थे आप लोग, देखना सर्कल कैसे गोल गोल घूमने लग रहे हैं। ये वाला जो है ना मेबैक में होता है ना भाई, ऐसा मेबैक में खुलते ही होता है, तो लग्जरी गाड़ी वाला जो फील है ना। और अगेन मैं बता रहा हूँ भाई, ये ना चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं जब आपका थोड़ा सा शुरू हो रखा हो या थोड़े से मूड में हो रखे। कई लोग नीचे ना कमेंट करेंगे कि गाड़ी में, चलती गाड़ी में ये सब सही नहीं लगता, तो हम बोल रहे हैं कि सब चीजें सब्जेक्टिव होती है। मैंने थार खरीदी है, क्या पता किसी और को गुरखा पसंद आ रही हो। सही बात है, और अपनी अपनी पसंद होती है भाई, जिसको चलते हुए पसंद है चलते में चलाओ। इस ऐप में ना 336 मोड दे रखे हैं, आपको जोन सा पसंद है। लो मैंने स्टेबल कर दिया, अब तो स्टेबल में ये भी स्टेबल हो गया, ठीक है। उसके बाद FW में अलग ही आप लोग देख सकते हो। तो वापस मैं कह रहा हूँ सब्जेक्टिव है बहुत ही ज्यादा। ये देखो ऐसे आई मेबैक में ना घूम रहे हैं ना, जो भाई हमने भी रिसेंटली काम किया था इसके अंदर, हमने भी बना दी अपनी मेबैक पे। हमारी भी जो है मेबैक बन गई है। तो अगेन आप लोग मर्जी है जैसा आपको करना है। AC में क्या है देखो, ऐसे करके आएगा तो उसमें भी देखो, ये देखना अभी वापस आएगी ड्रॉपलेट सी, एक जैसे यहाँ जैसे इधर आएगी वहाँ पे देखना, जबरदस्त लग रहा है ना। ये देखना यहाँ पे आएगी ऐसे करके, तो वहाँ पे वापस से गोल घूम के आएगी। सारे फीचर एक्सप्लोर कर लेना, बाद में मुझे तो समझा देना। अच्छा ठीक। बहुत सारे हैं। तो भाई काफी ज्यादा है, देखो यहाँ पे जैसे आ रही ना हल्की हल्की, देखना ये देखो, तो इसमें भी थार वाले में भी एक एड ऑन हो जाएगा, खुद देख रहे हो, देखना यहाँ पे जाएगा जैसे एक एड ऑन हो जाएगा, ये इतना जबरदस्त लग रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो भाई सामने से आपको ये लग गया, तो कितनी सही लग रही है ना ये चीज, ये बताने की मेन वो थी। और सच्ची में ये वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है ना भैया। यस मतलब बहुत ही ज्यादा वो है, अच्छे से इंस्टॉलेशन बढ़िया से होगी है, OEM स्टाइल में, OEM स्टाइल में है। इसके अंदर फिक्स में कोई नट आफ्टर मार्केट नहीं फिक्स किया गया है, पर ओवर नहीं लग रहा। फिनिश देखो कितनी, हाँ एकदम पूरी, बट मेक श्योर जो भी इसको देखिए, कई बार लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, कहीं ना यहाँ भी नहीं आ पाते, या बट जहाँ से भी कराएं जिससे भी कराएं 100% ओरिजिनल होना चाहिए प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, नहीं तो काम नहीं करेगा। हाँ, आपने देखो ये पूरा सील था आपके सामने, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। और फिटिंग कितनी अच्छे से आ गई, अच्छे से। तो सारी चीजें, जैसे इसका ट्यूटर होता है इसके अंदर, उसको वापस से इस पे फिक्स करना है, तो बहुत सारी चीजें होती है। लोग क्या डबल टेप उल्टा सीधा अगर करा के फिट कर देंगे, बाद में आवाजें आएंगी, तो सब छोड़ो रहना, कस्टम पे आ जाना, ओरिजिनल भी मिल जाएगा और बढ़िया से इंस्टॉलेशन। और इसकी वारंटी भी है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वारंटी नहीं, प्रॉपर वारंटी है आफ्टर इंस्टॉलेशन फ्रॉम NS कस्टम। हम आपको 1 ईयर की तो स्टैंडर्ड वारंटी देते ही देते हैं कोई भी एमएन लाइट का। ठीक है भाई, ये बहुत सारे इसमें मोड है, मैं एक्सप्लोर करूंगा, आप लोग भी करें ना, और काफी बढ़िया है भाई, बहुत ही अच्छी चीज है, लगवा लो अपनी गाड़ी में, मजाक नहीं कर रहा मैं, मजा आ जाएगा भाई, काफी मतलब सही में बहुत अच्छी है ये देख के ना, अलग सा फील आता है, एकदम बढ़िया वाला। और वापस वही कितना सही सा कॉम्बिनेशन, एकदम वो चांद तारे लग रहे हैं एक्चुअली, है ना, जो कलर आते हैं। तो गाइस देखो, पिछली वाली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने इसमें भी लगवाए थे और एम्बिएंट लाइट भी लगाई थी, तो सारी चीजें जो है हमने करवा ली हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको एड ऑन में कर लिया है, तो काफी सही लगी। ये सारा काम जो है मैंने करवाया था NS कस्टम्स नोएडा से, नरेंद्र भैया से, नंबर जो है यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा। इनकेस अगर आपको भैया ना मिले तो यहाँ पे आपको अंकुर भैया और अजय भैया मिलेंगे, ठीक है। सचिन भाई का रिव्यू रहेगा, अरे हाँ सचिन भैया से तो पूछे एक बार, सचिन भैया आओ ना, अरे जा कर रहे हो, आओ एक बार, सचिन भैया तो बैठ गए गाड़ी में, हम रिव्यू लेने वाले थे, आओ आओ जल्दी आओ यार, ये भैया एक तो जब भी बुलाते हैं ना रात में बुलाते हैं, रात की रानी, रात का हमारा जो वो है ना कनेक्शन वो रात का है। अच्छा रात वाला मैच करता है भाई, मजा आ गया कुछ अलग सा देखने, काम रात वाला समझे, रात में काम करने वाला ये कार का। अरे भैया उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई, मजा आ गया, फील आ रहा है पूरा। और ऊपर वाले मस्त लग रहे हैं ना वाला, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि थार में बार, हाँ ये वाली, वाली ये टाइटल थार में बार, मैंने टाइटल दे दिया थार में बार, है ना, बिल्कुल फीलिंग आ रही है मस्त एकदम,
चलते हैं फिर अभी राइड लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं कि कैसा फील कैसा रहा है। ठीक है अजय भैया, अंकुर भाई कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया, सही लग रहा है ना? काफी अच्छा लग रहा है। आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा इसका? मेरे को भी मतलब सारे अच्छे लगे, खुद की गाड़ी है। बाकी आपको कौन सा लगा अंकुर भैया? सेम ही है। चलो भाई, क्योंकि आज यही दो चीज इंस्टॉल हुई थी तो यही था। और भी करेंगे। बाकी भाई आप लोगों को मिल जाएगा NS Customs Instagram पे, और स्टोर है अपना नोएडा में जिसका डिस्क्रिप्शन एड्रेस मिल जाएगा। विद दिस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे Instagram पे, रील भी डालूंगा, वो भी जाके आप लोग देख लेना। बाय बाय।